हेलो गाइस वेलकम टू वी लर्निंग चैनल वी लर्निंग चैनल आप लोगों के लिए एन टी नेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आ रहा है इस वीडियो में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट वन देखेंगे जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग पेपर वन के अंडर आता है गाइस मैंने पूरे सिलेबस को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पूरे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है पार्ट वन और पार्ट टू मेरा नाम रंजीत वर्नवाल है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर जस्ट सी गाइस दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद पार्ट वन एंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक लाइक बोट्स एंड डिस्कसिंग इन पार्ट टू गाइस सी व्हाट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस चैप्टर इज वेटी हार्ड नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड लेकिन एक बात अगर ध्यान से समझ लो कि इसके जो भी थियोरी हैं और मैथेमेटिकल रिप्रजेंटेशन और इक्वेशंस हैं अगर उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो उनको अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है और सारे क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे सॉल्व हो जाते हैं तो यार एक एक तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो एस हो चाहे वो बैंकिंग हो और आपका फिर एन टी ही हो इसमें से एक या मैक्सिमम मिनिमम एक या दो सवाल निकल के ही आते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब चूंकि ये इक्वेशन है इस जो चैप्टर में एक ही इक्वेशन है एक से पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है अगर उसे आप अच्छे से समझ लिए तो आपका पूरा सवाल इस चैप्टर का एक एक सवाल बन जाएगा ये मेरी पर्सनल गारंटी है प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी और अगर इस टॉपिक में आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाएगी अगर आप अच्छे से डेवलप कर लोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ़ दिस पर्टिकुलर चैप्टर सो गाइज लेट्स मूव अहेड थियोरी क्या बोलता है यार थ्योरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है हम लोग जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उसी से रिलेटेड थ्योरी है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है फॉर एक्जाम्पल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या है मेरे को ये बात समझ में जब आ जाएगी कि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या है तो हमें समझ में आ जाएगी कि मोशन में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं फिर जब वो समझ में आ जाएगी तो फिर हम आगे समझेंगे कि इन फिजिकल क्वांटिटीज में इनका इंटरनली क्या रिलेशन है ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी लेट से दिस इज अ बॉडी अगर कोई भी बॉडी कोई एक्सटर्नल स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट से हम देखें तो ये बॉडी अभी यहाँ पे है नेक्स्ट एक मिनट में ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम द बॉडी कीप्स चेंजिंग इट्स पोजिशन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस ठीक है तो ये कहेंगे कि ये बॉडी जो है मोशन में है राइट right? जैसे अगर ट्रेन है हम देखते हैं अगर चलती हुई ट्रेन है अभी देख रहे हैं इस पोजीशन पे है अगले सेकंड में यहाँ आ जाती है तो ऐसे ही पोजीशन चेंज करता रहता है दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इन दिस मोशन ठीक है अब क्या है इसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं तो पहले से ही लिखा हुआ है स्लाइड पे आप लोगों ने देख ली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो देखो यार जैसे ही कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसकी जो चेंज इन पोजिशन होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी टाइम के रिस्पेक्ट में होगी तो पहली हमारी आ गई टाइम ठीक है टी वैसे ही जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ये बॉडी चेंज करेगी अपना पोजीशन चेंज करेगी तो जो दोनों के बीच का गैप होगा ना ये मान लो इनिशियल पोजीशन है ये मान लो फाइनल पोजीशन है तो दोनों के बीच के गैप को जो टोटल गैप होगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे ठीक है वो डिस्टेंस अगर वो मोशन में है तो दैट पर्टिकुलर गैप इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोशन ठीक है अब स्पीड क्या हो गई स्पीड क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं हम लोग पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ले कर इनिशियल से लेके फाइनल तक जाने में उसे थर्टी मिनट्स लगते हैं और इनिशियल से फाइनल तक टोटल जो कवर किया डिस्टेंस वो सिक्स हंड्रेड मीटर कवर किया ठीक है तो इसको एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि थर्टी मिनट्स में ये सिक्स हंड्रेड मीटर कवर कर रहा है तो एक मिनट में सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी यही है ना तो एक मिनट में कितना स्पीड कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये यहाँ से आ जाएगा वन जीरो वन जीरो थ्री ट्वेंटी जहा कटके ये ट्वेंटी किलोमीटर सॉरी ट्वेंटी मीटर पर मिनट आ जाएगा ठीक है तो ये हमारी स्पीड हो गई तो स्पीड निकालने के लिए क्या किया मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम मतलब कि टोटल डिस्टेंस हमारा 600 मीटर था और टाइम टोटल 30 मिनट्स था तो एक मिनट में कितना किया मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो हमारी स्पीड हो जाती है तो हमारी तीसरी क्वांटिटी आ गई क्या स्पीड ठीक है अब इनके बीच का सारा रिलेशन फार्मूला हम लोग देखेंगे बेसिक फार्मूला क्या है आगे चलते हैं आप लोगों को होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी कोई बड़ी बात नहीं थी अभी मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आई है यार तो देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा ये ऐसे ट्रिक भी बोलते हैं बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना कि एस इंटू टी इज इक्वल टू डी क्यों होगा या फिर एस इन टू डी इज इक्वल टू टी कर देते हैं तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना याद रखना हमेशा एस टी डी है ये बीच में इक्वल टू है एस इंटू टी इज इक्वल टू डी तो ये ट्रिक बोल सकते हो एस टी डी ठीक है नॉट आई एस डी इट्स एस टी डी ठीक है अब देखो क्यों आया ये फॉर्मूला एस इंटू टी इज इक्वल टू डी क्यों आया तो पीछे तुम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके स्पीड से अगर उसको टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ट्रैवल किया वो डिस्टेंस वो निकल जा रहा है ना ये रिलेशन डराइव किया गया है सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से ठीक है जैसे मान लो अगर कोई जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने देखा था उसकी स्पीड आ रही थी ट्वेंटी मीटर पर मिनट ठीक है अब उसकी वो टाइम कितना ट्रैवल किया था कितने टाइम तक ट्रैवल किया था तो तीस मिनट तक तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो स्पीड ट्वेंटी मीटर पर मिनट इंटू थर्टी मिनट तो मेरा कितना आ जाएगा सिक्स हंड्रेड मीटर वैसे ही स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ये वेरी बेसिक फार्मूला है बहुत ही फंडामेंटल फार्मूला है ये इसे हमेशा याद रखिएगा ये अच्छे से लिखी हुई स्लाइड में आप लोग इसे नोट कर सकते हैं अब उसके बाद ये जो प्रोपोसनैलिटी इम्प्लीसिट है देखो ये फार्मूला जो है ना इसी फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है मैंने पहले भी बताया था एक बेसिक फॉमूले पे पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगी ठीक है अब चलो अब इसके बेसिस पे हम लोग तीन यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे तीन में से कोई एक वेरिएबल को कॉन्सटेंट मान के बाकी के दो बीच का रिलेशन निकालेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा अगर हम पहली बार में टाइम और डिस्टेंस का बीच रिलेशन निकाले तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी दूसरी बार में स्पीड और डिस्टेंस के बीच निकल सकती है तीसरे बार में स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन निकल सकती है तो प्रोपोर्शनैलिटी इम्प्लीसिट इन द इक्वेशन एस इंटू टी इज इक्वल टू डी मतलब देयर इज़ सम प्रोपोर्सनैलिटी साइन दैट इज़ इनहेरेंट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू डील विथ अगर वो अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपकी सारी समस्याएँ यहीं पर समाधान हो जाएंगी और आप इस चैप्टर का एक एक सम बहुत अच्छे से कर पाओगे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो आपके सारे प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन हम लोग पढ़ लिए अब क्या है पहला प्रो साइन क्या हो सकता है तो देखो ये एस इन टू टी इज़ इक्वल टू डी है ये हमको पता है एस टी डी बताया था मैंने सबको याद है क्लास में याद करके जाओ फॉर्मूला बाकी रिवाइज करने का ज़रूरत ही ना पड़े एकदम उसके बाद सीधे सवाल बनाने आ जाना एक एक सवाल बहुत ही फंडामेंटल में में बढ़ जाएगा मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो आप एकदम नए हो इस चैप्टर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आता तो मेरे लिए बेहतर और हो जाएगा क्यों क्योंकि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ लोगे और यही चीज़ सारी आपके दिमाग में रहेंगी चलो तो फिर देखते हैं एस इन टू टी इज इक्वल टू डी है हमको रिलेशन निकालना है टाइम और डिस्टेंस के बीच में मतलब अगर प्रोपोसनैलिटी मतलब होता है कि टाइम के इफ़ेक्ट में डिस्टेंस से में क्या इफेक्ट पड़ेगा या डिस्टेंस की वजह से टाइम में क्या पड़ेगा तो देखो कभी भी तीन क्वांटिटीज रिलेशन में हो और हमको दो के बीच रिलेशन निकालना हो तो जो तीसरा होता है ना उसको हम लोग मान के चलते हैं क्या कॉन्सटेंट तब ही रिलेशन निकल पाएगी ना अगर वैन स्पीड विल कम इन टू द पिक्चर देन वी विल नॉट बी एबल टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस दैट्स वाई वी अज्यूम दैट स्पीड इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तुम बताओ अब आप लोग ये बताओ सिंपली ऑब्जर्वेशन के साथ कि अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई चल रही है या कोई मोशन में है कोई बॉडी तो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हाँ या ना बिल्कुल हाँ क्यों क्योंकि अगर हम भी दस किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं कोई और बंदा दस किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है दोनों की स्पीड सेम है और अगर वो बंदा दस मिनट चल रहा है और मैं तीस मिनट चल रहा हूँ मैं टाइम ले रहा हूँ ज़्यादा तो मेरी डिस्टेंस ट्रैवल हुई ज़्यादा ऑब्वियसली होगी ज़्यादा तो इससे क्या पता चला कि टाइम जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डायरेक्टली का मतलब हुआ वैन टी इनक्रीजेज डी ऑल्सो इनक्रीजेज वन टी डिक्रीज डी ऑल्सो डिक्रीजेज ठीक है आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी बातें तो आगे चलते हैं यहाँ से मेरे को एक बात पता चलती है कि अगर टाइम डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो टी वन टाइम में डी वन डिस्टेंस ट्रैवल करता है एस वन एस स्पीड से तो उसका टी वन जो है डी वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसको मान लेता है इक्वेशन वन ठीक है सिमिलरली कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है या सेम ऑब्जेक्ट सेम स्पीड S से कोई दूसरा टाइम इंटरवल T2 में ट्रैवल किया और डी टू डिस्टेंस कवर किया तो इसकी टी टू जो है डी टू के प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली इसको मान लिया हमने इक्वेशन टू ठीक है तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला निकल के आएगा आप लोग इसे पॉज करके इसे नोट कर लेना मैं इसको फिर से इरेज करके फिर से इसे में लिखूँगा तो यहाँ से मेरे एक फार्मूला निकल के आया इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरे को मेरे को एक फार्मूला मिलेगी वो ये मिलेगी कि T1 वन डिवाइडड बाई टी टू इज इक्वल टू डी वन डिवाइडिड बाई टी टू ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना स्पीड कांस्टेंट तो T1 वन बाई टी टू इज इक्वल टू डी वन बाई और यहाँ पे क्या है स्पीड क्या है स्पीड कांस्टेंट है एट कांस्टेंट स्पीड ठीक है चलो ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं इस पर क्वेश्चन करेंगे आप लोग को एक एक जो भी डाउट होगा अभी क्लियर हो जाएगा कौन क्वेश्चन करने के बाद तो आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन अ कार मूव्स फॉर टू आवर्स एंड अनदर कार मूव्स फॉर थ्री आवर्स एट द सेम स्पीड देखो मैं एक चीज़ बता दूँ पहले आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमेशा कॉन्स्टेंट वाला पार्ट ढूंढने की कोशिश करना तब आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करेगा कि कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है ठीक है तो देख रहा है कि एक कार दो घंटे के लिए चलती है दूसरी कार तीन घंटे के लिए चलती है और दोनों का सेम स्पीड है तो इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार इज़ फिफ्टी किलोमीटर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड कार देखो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे हैं एन टी में पूछ चुका है पहली बार देखो अभी अगर नॉर्मल अप्रोच से बनाने जाते हैं इसको तो इसकी स्पीड एस मानते फिर इसका टाइम और इसका ये करके टाइम दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है इसका स्पीड दिया हुआ है तो इसमें टाइम निकालते फिर इसमें टाइम में कैलकुलेट करते वही टाइम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं फिर ऐसे निकालते नॉर्मल अप्रोच में बहुत ज़्यादा हो जाती लेंदी प्रोसेस हो जाता वो अब मैं देखो इसको कैसे बहुत आसानी से फिंगर टिप्स पर सॉल्व करूँगा मुझे पता चल गया है एस कॉन्स्टेंट है तो फार्मूला क्या लगेगा टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू ठीक है मेरा टी वन क्या दिया हुआ है टू आवर्स टी टू क्या दिया हुआ है थ्री आवर्स और हाँ d1 क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर और d2 क्या दिया हुआ है d2 तो निकालना है तो यहाँ से मेरा क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू डी टू इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू थ्री ठीक है तो फिर मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा सॉरी स्पेस नहीं आगे लिख देता हूँ यहाँ क्या आ जाएगा d2 टू इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू दिस विल कम टू से ट्वेंटी फाइव या फिफ्टी हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव किलोमीटर मतलब क्या सिंपल मैथमेटिक्स है एक बार बस पोट कर दो फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार्य सेवेंटी फाइव किलोमीटर आंसर देखो ये लेंथी प्रोसेस नहीं है तुम्हें तो लग रहा होगा कि इतना लेंथी किया मैंने पर अगर अच्छे से माइंड में कैलकुलेशन फटफट हो जाएगा तो बस फटफटा के बीस मिनट या बीस सेकेंड या तीस सेकंड मैक्स टू मैक्स जाएगा या पंद्रह सेकेंड में सवाल कर लोगे अगर मैथेमेटिक्स में फास्ट हो तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे सेम टाइप का क्वेश्चन है अ कार मूव्स फॉर टू आवर्स एंड अदर कार मूव्स फॉर थ्री आवर्स एट द सेम स्पीड फाइंड द रेशियो तो मैंने क्या बोला रेशियो डिस्टेंस कवर्ड बाय देम रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम तो टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू होता है टी वन बाई टी टू का मतलब हमें निकालना क्या है डी वन बाई डी टू ही निकालना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम तो डी वन और डी टू ही तो है रेशियो तो ये टी वन बाई टी टू के इक्वल होगा तो टी वन मेरा क्या है टू और डी टू डी डी टू मेरा क्या है थ्री तो सीधा आँख बंद करके इसी में तो एक सेकेंड भी नहीं लगेगा पेन उठाने की जरूरत नहीं बनेगी और डी वन बाई डी टू आप सीधा टू बाय थ्री टिक करके आगे बढ़ जाओगे तो देख रहे हो इस फॉर्मूले का कमाल अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गई प्रोपोशनैलिटी वाली तो चलो अब ये सेकेंड एक तो हमने निकाल लिया स्पीड कांस्टेंट रख के टाइम और डिस्टेंस के बीच का प्रोपोशनालिटी कांस्टेंट प्रोपोशनलिटी इक्वेशन ठीक है अब दूसरा इस बार हम एस और डी के बीच का रिलेशन निकालेंगे इसमें तो क्या टाइम को कांस्टेंट मान लेंगे ऐसी केसेस आ सकती हैं ना कि दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम टाइम के लिए चला अलग अलग स्पीड से चला और अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा तो उसके सवाल आ सकते हैं तो उसमें कैसे करेंगे चलो देखते हैं अब देखो इसमें क्या है दो केस हो सकता है जैसे मैंने बताया टू मोशन ऑफ अ सिंगल बॉडी या टू मोशन ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज जब टाइम कांस्टेंट होगा तब ये केस ये दोनों जो केस है ये टाइम कांस्टेंट का केस है ठीक है टाइम कांस्टेंट का केस है अब बोलोगे कि ऐसा क्या है टाइम कांस्टेंट में नहीं समझ आ रहा तो टू मोशन ऑफ अ सिंगल बॉडी फॉर एग्जाम्पल एक ही बॉडी है बोलें कि दो आर के लिए चलती है फिर दूसरे दो आर के लिए चलती है अलग स्पीड से यहाँ एस वन स्पीड से चलती है यहाँ एस टू स्पीड से चलती है ऑब्वियसली तो इस वाले टू आर में जो डिस्टेंस कवर करेगी इस वाले टू आर में डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी अगर एस टू बड़ा है एस वन से तो ठीक है तो जब स्पीड बड़ा हो रहा है और टाइम कॉन्स्टेंट रह रहा है अगर स्पीड ज़्यादा है तो मेरा डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है तो इससे मेरे को एक और रिलेशन क्या निकल के आया इससे मेरे को एक और रिलेशन निकल के आया कि स्पीड इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ठीक है ये मुझे पता चल गया समझ गए तो जैसे सेम था कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वैसे स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अब अगर देखो अगर लास्ट में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रख पाओगे अगर बीच में कन्फ्यूजन हो गया तो भी पर मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डीपली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर आप लोग कोई ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे ठीक है भाई चलो अब स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी तो इससे मेरा क्या निकल के आएगा कि अगर एस वन स्पीड से चलेगी और डी वन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वो भी एस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी टू व डी वन की सिमिलरली एस टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी टू की कोई दूसरी स्पीड होगी और कोई दूसरी डिस्टेंस ट्रैवल होगी और इन दोनों में जो मेरा कॉन्स्टेंट होगा क्या होगा वो टी होगा मान लेते हैं डी कॉन्स्टेंट है तो इससे मेरा क्या निकल के आएगा अगर इसको इक्वेशन वन माने इसको इक्वेशन टू मानते हैं तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा फार्मूला क्या निकल के आएगा एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू डी वन बाय डी टू ये दूसरा फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है जो हमारे इस चैप्टर का वो निकल के आ गया ठीक है चलो तो अब हम लोग आगे देखेंगे इस फॉर्मूले से सवाल कैसे बनाते हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ कार ट्रैवल्स एट टू किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट टू आवर्स ऑफ द जर्नी एंड देन ट्रैवल्स एट फोर्टी किलोमीटर्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट टू आवर्स ऑफ द जर्नी फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस इज बाय द टू कार्स मैं पहली बार बताया था लेकिन फिर एक बार चीख चीख के बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहला ये चीज़ फोकस करो कि उसमें कांस्टेंट क्या है अगर कांस्टेंट पता चल गया तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच फार्मूला यू शुड यूज़ यू शुड अप्लाई एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर फिंगर टिप्स तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना अ कार ट्रैवल्स टू किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट टू आवर्स एंड द जर ऑफ़ द जर्नी एंड देन ट्रैवल्स एट फोर्टी किलोमीटर पर आर फॉर द नेक्स्ट टू आवर्स ऑफ द जर्नी मतलब देखो फर्स्ट टू आवर्स ऑफ द जर्नी नेक्स्ट टू आवर्स ऑफ द जर्नी मतलब दोनों में क्या टू आवर्स ही कॉन्स्टेंट है टू आवर्स ही चल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है ठीक है तो टाइम कॉन्स्टेंट रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू यही फॉमूला होता है मैंने पीछे पढ़ाया नहीं अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी गाइज ठीक है तो अब इस फॉमूला पर हम अगर पुट करते हैं तो मेरा क्या है एस वन दिया हुआ है क्या पहली स्पीड क्या है टू किलोमीटर पर आर दूसरी स्पीड क्या है फोर्टी किलोमीटर पर आर और ये बोल रही है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय द टू कार्स मतलब हमें यार डायरेक्टली डी वन बाई डी टू पूछ रहा है तो एकदम से कुछ करना ही नहीं है टू बाय फोर्टी बिना कुछ किए पेन उठाए आँख बंद करके टू बायोर्टी कर देंगे अगर सिंप्लीफाई करोगे रेशियो में तो ये वन बाई ट्वेंटी आ गया ठीक है चलो वन बाय ट्वेंटी आ गया एक और चीज़ मैं अभी बता देना चाहता हूँ गाइस कि नॉर्मली बच्चे इसमें गलती कहाँ कर देते हैं स्पीड और डिस्टेंस और टाइम तीन क्वांटिटी हमारे पास होती है तो तीनों की यूनिट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जैसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देखो अगर रेशियो वाले से करोगे तो ज़रूरत नहीं भी होगी कहीं कहीं लेकिन आप आदत डाल लेना कि जो भी क्वांटिटी में अगर जब भी सॉल्व करो ऐसे सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के तो सबके यूनिट जो होंगे वो यूनिफॉर्म होने चाहिए जैसे अगर स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली है जो मेरा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होनी चाहिए और जो मेरा टाइम है वो किलो आर में होना चाहिए नहीं तो ऐसे स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आर में और टाइम दे रखा है सेकंड में और डिस्टेंस दे रखा है मीटर में तो तीनों अलग अलग हैं या कोई भी दो भी अलग अलग है अगर आप फॉर्मूला पे सेम वैल्यू बिठा दोगे तो चेंज हो जाएगा आंसर नहीं आएगा जैसे क्या है देखो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ट्वेंटी किलोमीटर पर आर है तो अगर इसी को हम मीटर पर सेकेंड में देंगे ना तो ये हो जाएगा मेरा 20 इंटू फाइव बाई एटीन जो कि वैल्यू अलग आ जाएगी इसकी ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि आपको यूनिट चेंज करके करने हैं अब यूनिट के लिए यार मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ देखो यूनिट चेंज करने के लिए नॉर्मली क्या होता है अगर स्पीड किलोमीटर पर आर से दी हुई है ठीक है और ये मीटर पर सेकेंड में चेक चेंज करनी है तो क्या करेंगे और अगर मीटर पर सेकेंड में दी हुई है और इसे मुझे किलोमीटर पर आर में चेंज करनी है तो क्या करेंगे अब बोलोगे कि अगर आर दी हुई है और मिनट में या सेकेंड में चेंज करनी है तो ये तो गाइज आई एक्सपेक्ट कि इतना आप लोग कर लोगे क्योंकि एक घंटे में वन आर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं और वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड्स होते हैं तो वन आर इज इक्वल टू हमारा थ्री सिक्स डबल ज़ीरो सेकेंड्स आ जाएंगे अगर सेकेंड में करना हो तो वैसे ही वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर होता है ये आप लोगों को पता होगा होप तो ठीक है आपको पता है तो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग अभी आपको ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको वो आप ध्यान से सुनिएगा फिर आपको यूनिट चेंज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी देखो किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में जब भी चेंज करना हो ना तो जितनी वैल्यू हो उसको फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देना मैं बताऊंगा अभी फ़ाइव बाई एटीन क्यों करते हैं और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में चेंज करनी हो तो बस उसका रेसिप्रोकल प्रोकल एटीन बाई फाइव से चेंज कर मल्टीप्लाई कर देना ठीक है अभी जैसे देख लो क्यों करते हैं यार देखो किलोमीटर पर आर मतलब किलोमीटर डिनोमरीटर में है और डिनोमिनेटर में आर है इससे हमको किस में चेंज करनी है मीटर पर सेकेंड में ठीक है तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं ना एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर और आर से सेकेंड में चेंज करने के लिए हम थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मतलब हम अल्टीमेटली वन थाउजेंड बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको अगर कैंसिल करके या सॉल्व करोगे ना तो देखो टू ज़ीरो टू ज़ीरो हो गया टू फाइव जा और टू एटीन जा तो ये क्या आया अल्टीमेटली फाइव बाई एटीन आया ठीक है तो इसीलिए किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो फ़ाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिमिलरली अगर आप देखोगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में चेंज करना होगा तो एटीन बाई फाइव क्यों क्योंकि देखो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार मीटर पर सेकेंड वाली भी एक्सप्लेन करके आप लोगों को फिर आप लोग बेटर समझ पाएंगे गाइज देखो मीटर पर सेकेंड है इससे हमको ले जानी है बड़ी यूनिट में किलोमीटर पर आर ठीक है तो मीटर पर सेकेंड क्या है मेरा एक मीटर में किलोमीटर में चेंज करना हो तो थाउजेंड से डिवाइड करनी होगी मतलब वन बाय थाउज़ेंड लिखनी होगी और सेकेंड से आर में डिवाइड करनी हो तो वन हमको थर्टी सिक्स हंड्रेड से डिवाइड करनी होगी क्योंकि सेकेंड से आर में चेंज करना है ठीक है तो ये फिर देखो यहाँ डिनोमिनेटर में जो अगर फ्रैक्शन में है और ये डिनोमीटर में है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है तो मेरा अल्टीमेटली क्या बन के आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड बाई थाउजेंड अगर फिर से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरा एटीन बाई फाइव एटीन बाई फाइव इसीलिए ये याद रखना जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो एटीन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो फ़ाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ देखो मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है मीटर किलोमीटर से बड़ा है तो छोटा यूनिट है तो छोटे से अगर बड़े में जाना है तो हमेशा बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो एटीन बाई फाइव बड़ा है ना क्योंकि न्यूमिनेटर में बड़ा है एटीन और हमेशा बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फाइव बाई एटीन क्योंकि न्यूमिनीटर में छोटा है ना ये फाइव बाई एटीन छोटा है ना एटीन बाई फाइव से तो इसीलिए जब बड़े से छोटा में जाना है तो छोटा वैल्यू करना और छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा वैल्यू कर देना यहां तक आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा तो अब चलो सवाल करते हैं ये क्वेश्चन तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी हाँ टू कार्स लीव साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड ऑन ऑन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर यहाँ फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ठीक है टू कार लीव साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन टूव ईच अदर मतलब अगर कार ए है यहाँ पे एक पॉइंट बी है और दो कार है ये दोनों एक दूसरे के तरफ लीव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ठीक है एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं मतलब ए इधर चल रहा है और बी मेरा इधर चल रहा है ठीक है अब क्या बोला द स्पीड ऑफ द टू कार्स आर ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड इसकी जो स्पीड है ये ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की है और इसकी जो स्पीड है ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड की है ठीक ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड की है फाइंड द मीटिंग पॉइंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नाइन हंड्रेड किलोमीटर देखो ये ए इधर से चला और यहां पे पहुंचा होगा या बी इधर से चला यहां पे कहीं तो एक पहुंचा होगा ना दोनों मिले होंगे जहां पे। तो इसको मान लेते हैं ये पॉइंट्स पी है जहां पे ये लोग मीट किए तो देखो यहां पे मैंने बताया था कि हमेशा ढूंढने की कोशिश करना है कि कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे या स्पीड कांस्टेंट है तो नहीं यार स्पीड तो एक की ट्वेंटी मीटर पर सेकंड है एक की ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकंड है स्पीड तो कांस्टेंट तो नहीं है आपको ठीक है अब मुझे देखनी है तो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है नहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मे बी कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ये इधर ज़्यादा ट्रैवल किया होगा मेरे को भी फिक्स नहीं है लेकिन टाइम कॉन्सटेंट है क्यों क्योंकि ये और ये दोनों सेम टाइम में लीव करते हैं लीव साइमल्टेनियसली मतलब अगर मान लो ये सात बजे लीव किया है तो ये भी सात बजे ही लीव किया है और दोनों जाके मिले हैं एक पॉइंट पे तो देखो दोनों जाके जिस पॉइंट पे मिले होंगे वो तो कॉमन टाइम होगा ना मतलब उस कॉमन टाइम से इनका इनिशियल टाइम का जो गैप होगा दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि इनिशियल टाइम भी सेम है और जब मिले हैं तो वो वाला जो मीटिंग पॉइंट का जो टाइम है दोनों सेम है फिर से एक बार समझ लो यहाँ पे ऐसे सवाल में मान लो यहाँ पे तुम हो यहाँ पे तुम्हारा दोस्त है ठीक है दोनों सात बजे निकल गए दोनों सात बजे निकल गए एक सेकेंड का ठीक है यहाँ पे मान लो तुम हो यहाँ पे तुम्हारे दोस्त हैं दोनों सात बजे निकल जाते हो ठीक दोनों सात बजे निकले सेम टाइम पे दोनों आके यहाँ पे मिल गए पॉइंट पी पे ठीक है मीटिंग पॉइंट है तो जब मिले मान लो तब दोनों का एट एट एम था आठ बज रहा था दोनों आठ बजे मिले तो अब बताओ तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए एक घंटा तुम कितना टाइम लिए एक घंटा ये भी कितना टाइम लगा एक घंटा मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर ये सात बजे निकला तुम भी सात बजे निकले हो फिर मिलोगे तो वहाँ पर भी टाइम कॉमन रहेगा तो दोनों का जो ट्रैवल टाइम होगा वो दोनों सेम होगा ठीक है तो चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ पे पता है मेरे को क्या ट्रैव सेम है पता है मेरे को क्या सेम है वहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा टाइम कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट है तो क्या होता है फॉर्मूला एस वन बाय एस टू इज इक्वल टू डी वन बाई डी टू देखो यहाँ पे फाइंड द मीटिंग पॉइंट इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन इज नाइन हंड्रेड किलोमीटर मतलब ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस डी अब एक बात बताओ अगर ये ए टी टाइम में चलता है और डी वन ट्रैवल किया और इधर से बी टी टाइम में डी टू ट्रैवल किया तो जो दोनों पॉइंट पी पे मिले तो d1 और d2 को ऐड करेंगे तब टोटल d नहीं आ जाएगा क्योंकि इधर से ये कुछ चल रहा है वो उधर से कुछ चल रहा है दोनों मिलकर टोटल कितना d कवर कर रहे डिस्टेंस तो हमको d1 वन प्लस डी निकालना है पर ये हम इस फॉर्मूले से d1 वन बाई d2 निकाल सकते हैं तो अगर d1 वन बाई d2 निकाल देंगे तो d1 वन प्लस d2 निकाल सकते हैं क्योंकि d1 वन प्लस d2, टोटल डी इजिकवल टू नाइन हंड्रेड किलोमीटर दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ से निकालते हैं क्या है मेरा स्पीड पहला ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड दूसरा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और डी वन बाई डी टू का हमारा रेशियो निकल गया ठीक है डी वन बाय डी टू तो डी वन बाई डी टू का यहाँ से रेशियो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव फोर जा फाइव फाइव जा तो क्या आ गया फोर बाय फाइव इज इक्वल टू डी वन बाय डी टू ठीक है यहाँ तक आप लोग नोट कर लो फिर मैं आगे फेयर करके बताता हूँ ठीक है तो मेरा आया था डी वन बाय डी टू इज इक्वल टू फोर बाय फाइव तो यहाँ से क्या बन गया फाइव डी वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने तो फाइव डी वन इज इक्वल टू फोर डी टू ठीक है तो फिर से ये रिलेशन आ गया तो डी वन इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया फोर बाय फाइव डी टू डी वन और डी टू के बीच का मेरा रिलेशन निकल गया अब चूंकि दिया हुआ है डी वन और डी टू दोनों को ऐड करने पे डी निकलता है और डी का वैल्यू दिया हुआ है क्या नाइन हंड्रेड किलोमीटर नाइन हंड्रेड किलोमीटर अब देखो d1 के जगह पे अगर तुम फोर बाई फाइव डी टू पुट कर दोगे ठीक है तो हमारा d2 का वैल्यू निकल जाएगा और पूछा है मीटिंग पॉइंट तो मीटिंग पॉइंट या तो b से d2 पे होगा या तो a से d1 पे होगा यहाँ पे बताया था ना ऐसे डायग्राम से अगर ये है इधर और ये d1 चल रहा है और b है इधर और इधर से d2 चल रहा है और ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है तो मीटिंग पॉइंट अगर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी वन के डिस्टेंस पे आएगा या बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डी टू के डिस्टेंस पे आएगा तो दोनों इधर से देखेंगे तो कुछ अलग डिस्टेंस होगा इधर से देखेंगे तो कुछ अलग डिस्टेंस होगा तो मीटिंग पॉइंट तो कॉमन ही होगा अब चलो सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आया था d1 के जगह पे सॉरी d1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ फोर बाय फाइव डी टू प्लस डी टू इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड अब तुम बोलोगे देखो ये जो d1 है ये नाइन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर में दिया हुआ है ये मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड से हम लोग निकाले थे रिलेशन पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यूनिट चेंज करने की पर अगर ठीक है अगर तुम्हें लगता है तो तुम आदत बना के रख लेना चेंज कर लेने का यूनिट क्यों यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेशियो है तो यूनिट दोनों में कॉमन रहेगा कट ही जाएगा यूनिट अल्टीमेटली तो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है ठीक है चलो तो आगे सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको क्या आता है फोर बाय फाइव डी टू प्लस डी टू क्या हो जाएगा बताओ यार एडिशन तो आती होगी ना तो फाइव का अगर एलसीयम लेंगे तो फाइव देखो मैं इसे मूव पे भी कर सकता हूँ टिप्स पे भी कर सकता हूँ पर फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन दैट आई वॉन्ट क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू गैस डैट्स वाई एम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अदरवाइज अगर आप लोग ओके हो तो मैं इसको लीव कर सकता था चल ठीक है तो फाइव का एल ये डी टू बाई वन ही है तो फाइव वन और एन क्या हो जाएगा फाइव इधर से फाइव तो इधर से आ गया फोर डी टू और इधर से क्या आ गया वन फाइव तो इधर से आ गया फाइव डी टू इज टू मेरा क्या आ गया नाइन हंड्रेड ठीक है तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये फोर डी टू प्लस फाइव डी टू क्या आ जाएगा नाइन डी टू इज इक्वल टू मेरा नाइन हंड्रेड इंटू फाइव ठीक है तो यहाँ से मेरा निकल के आया डी टू इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड इंटू फाइव बाई नाइन ठीक तो नाइन से नाइन हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा हंड्रेड टाइम्स तो मेरा डी टू क्या आ गया हंड्रेड इंटू फाइव इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर क्योंकि ये किलोमीटर में था नाइन हंड्रेड किलोमीटर था ठीक है तो मेरा क्या आ गया मीटिंग पॉइंट बी से डी टू क्या था बी से मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस था ना तो बी से फाइव हंड्रेड किलोमीटर पर मिल गया मीटिंग पॉइंट तो इधर से कितना मिल गया फोर हंड्रेड क्योंकि दोनों तो नाइन हंड्रेड का है तो वैसे ही अगर डी वन पूछे तो नहीं फोर हंड्रेड डी टू तो हमारा निकल के ही आया था फाइव हंड्रेड मतलब मीटिंग पॉइंट जो है ए से फोर हंड्रेड किलोमीटर पे है और बी से फाइव हंड्रेड किलोमीटर पे है ठीक है देखो मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन को लेंदी किया हूँ सॉल्व करने के लिए ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आए अदरवाइज आप लोग इसे अगर इसमें प्रो हो जाओगे तो बहुत अच्छे से इस पर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ इसको देखो देखो क्या है मैं सीधा सिंपली क्या करूँगा ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फाइव सॉरी मैं उतना भी नहीं लिखूंगा सीधा लिखूंगा डी वन बाय डी टू इज इक्वल टू क्या था एस वन बाय एस वन बाई एस टू होता है ना तो मेरा फाइव ट्वेंटी बाय ट्वेंटी फाइव दिख रहा है तो मेरा फोर बाय फाइव दिख रहा है तो ऐसे कर देंगे डी वन इज इक्वल टू फोर बाय फाइव डी टू फोर बाय फाइव डी टू अब मेरा क्या आ गया डी वन प्लस डी टू को हम नाइन हंड्रेड लिख सकते हैं तो डी वन के जगह पे फोर बाई फाइव लिख देंगे डी टू प्लस डी टू इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड ठीक है तो फोर बाय फाइव प्लस वन कितना होता है नाइन बाई फाइव और इंटू डी टू इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड ऐसे ही सॉल्व करके यहाँ से सीधा आ जाएगा मेरा डी टू का वैल्यू फाइव हंड्रेड ऐसे करके हम कर सकते हैं चलो अब दो रिलेशन मैंने निकाल लिए एक बार एस का डी के साथ एक बार टी का डी के साथ तो अब यार एस और टी के साथ निकालते हैं रिलेशन स्पीड का टाइम के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो ठीक है चलो देखते हैं तो एक बात बताना अगर स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है दोनों के बीच का डिस्टेंस है यह मान लो यहाँ पर घर है यहाँ पे किसी का ऑफिस है सेम डिस्टेंस है हमेशा अगर ये शुरू में बाइक से जाता है तो बीस मिनट लगते हैं ठीक है थीके? अगर पैदल जाता है तो थर्टी मिनट्स लगते हैं तो पैदल जाने में स्पीड कम है ना डिस्टेंस सेम है तो स्पीड कम है इसीलिए लेट लग गया पर अगर स्पीड ज़्यादा है बाइक जाने में स्पीड दोनों का डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या कम लग गया तो इसके क्या देखने को मिल रहा है कि स्पीड अगर ज़्यादा होता है तो मेरा टाइम घट जाता है और अगर स्पीड कम होता है तो मेरा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है ठीक है तो यहाँ से मेरा रिलेशन निकल के आया कि इस तरह के रिलेशन को ना इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब जो स्पीड है वो मेरा टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसको मैथमेटिकल वे में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वन बाई टी मतलब एस इज़ प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी वन बाई टी का मतलब हुआ ये डिनोमिनेटर में है मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगी टाइम घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी तो सिमिलरली हम अगर एस वन स्पीड है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टी वन की और अगर एस टू स्पीड है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टी टू की ठीक है चलो तो इससे मेरा फॉर्मूला निकल के क्या आएगा अगर इस ये मान लो इक्वेशन वन है ये मान लो इक्वेशन टू है अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा ध्यान देना यहाँ पे एस वन बाय एस टू इज इक्वल टू वन अपॉन टी वन बाई बाय वन अपॉन टी टू ठीक है अब देखो वन अपॉन टी वन ये टी वन ऊपर आ जाएगा और ये टी टू ये टी टू ऊपर चला जाएगा और ये टी वन नीचे आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगी यहाँ से क्या मिला एस वन बाय एस टू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन ये फार्मूला मेरे को मिल गया ठीक एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन यहाँ उल्टा हो रहा है देख रहे हो इनवर्सली रिलेशन में उल्टा हो रहा है अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं तो मेरा क्या आ गया एस वन टी वन इज इक्वल टू एस टू टी टू तो ये है मेरा स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन कि अगर कोई एक स्पीड एस वन से चल रहा है टी वन टाइम पे t1 वन टाइम तक और दूसरा स्पीड s2 से चल रहा है t2 टू टाइम तक तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा इक्वल होगा s1 t1 टी वन इज इक्वल टू एस ये अगर क्लियर है तो अब चलो इस पर भी सवाल करते हैं सो द क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू इज ऑफिस एट फाइव किलोमीटर पर आवर एंड रिचिज हिज ऑफिस ट्वेंटी मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड हैड विन सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव हिज ऑफिस ट्वेंटी मिनट्स अर्ली द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस देखो क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक मिनट होल्ड उनका गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये उसका घर है और ये उसकी ऑफिस है अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है मतलब यहाँ पे घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस क्या होगी हमारी कॉन्स्टेंट होगी कभी भी कैसे भी स्पीड से जाए हमेशा तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पहली स्पीड है उसकी फ़ाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है जाता है तो क्या पहुंच, कब पहुँचता है बीस मिनट लेट पहुँचता है <coughs> देखो यहाँ पर हम ये बीस मिनट लेट पहुँचता है फिर दूसरी बार अगर साढ़े सात किलोमीटर सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता तो बारह मिनट पहले पहुंच जाता ये बीस मिनट लेट पहुंच रहा है और बारह मिनट पहले पहुंच जाता ठीक है अर्ली पहुंच जाता तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा ये निकालनी है अब देखो बीस मिनट पहले बारह मिनट बाद कभी भी गलती से ये मत बोलना कि ये हमारा टी वन है ये हमारा टी टू है क्योंकि ये जो हमारा एग्जैक्ट टी वन है उससे ट्वेल्व ट्वेंटी मिनट्स लेट है और जो हमारा एग्जैक्ट टी टू होना चाहिए उससे ट्वेल्व मिनट्स अर्ली है तो हमारा टी वन टी टू तो नहीं पता पर टी वन और टी टू के बीच में रिलेशन पता है एग्जाम्पल समझो अच्छे से समझो ये चीज़ कॉन्सेप्ट अगर मान लो ये टाइम है मान लो यह इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसे पहुंचना था पर यह ट्वेंटी मिनट लेट पहुंचता है पहले केस में मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचता होगा दूसरे केस में अगर स्पीड बढ़ा दी तो ट्वेल्व मिनट्स अर्ली पहुँच जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुँचता है मान लो तो यहाँ पर ट्वेल्व मिनट अर्ली ठीक है तो अब देखो जो ओरिजिनल पॉइंट है पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पहुँचना था जिस टाइम पे उससे 20 मिनट पहले बाद पहुँचता था ये दूसरे केस में 20 बारह मिनट पहले पहुँच रहा है तो दोनों के बीच मतलब ये T1 और T2 ये T1 है मेरा और ये T2 दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 12 मिनट्स पहले और 20 मिनट बाद मतलब तो टोटल 32 मिनट्स का गैप है ये बात अगर अच्छे से समझ आई होगी तो ठीक है आगे का सवाल पूरा इजी हो जाएगा आपके लिए और नहीं आई होगी तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखना यार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे पहुँचना था वो पहुंचा बीस मिनट लेट दूसरे केस में इस पॉइंट पे नहीं पहुंचा बारह मिनट पहले पहुंचा तो दोनों केस के बीच का गैप कितना हो गया थर्टी टू मिनट्स हो गया मैं बस यही समझाना चाह रहा था तो अभी देखो इसके इससे बस हम टी वन और टी टू में रिलेशन क्या निकालेंगे पहला मान लेते हैं टी वन टाइम पहला टी वन ही मान लेते हैं कि टी वन में पहुँचा टी वन टाइम ट्रैवल किया तो बीस मिनट लेट पहुँचता पहुंचा दूसरा है टी टू टाइम ट्रेवल किया तो बारह मिनट पहले पहुंचा सॉरी बारह मिनट पहले पहुंचा तो टी टू इज इक्वल टू क्या होगा टी वन से कितना कम है थर्टी टू मिनट कम है मैंने पहले बताया था तो टी वन माइनस थर्टी टू टी टू को इस ये हम लिख सकते हैं टी वन माइनस थर्टी टू ठीक है अब अगर ये क्लियर हो गया तो अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत ईजीली हो जाएगा जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या फार्मूला था एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू टी टी टू बाई टी वन मतलब एस वन टी वन इज इक्वल टू क्या था एस टू टी टू ये था ना तो एस वन क्या है मेरा फाइव किलोमीटर पर आर रहा टी वन क्या है मेरा ट्वेंटी मिनट्स तो ट्वेंटी मिनट्स को हम सॉरी ट्वेंटी मिनट्स नहीं सॉरी मैं भी देखो वही ब्लेंडर करने वाला था टी वन को मैंने टी वन मान रखा है एस टू क्या है मेरा सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर्स और टी टू क्या है मेरा टी टू को हम टी वन के फॉर्म में लिख सकते हैं टी वन माइनस थर्टी टू क्योंकि उससे थर्टी टू मिनट्स कम है टी टू समझ गए क्योंकि पहले ही बता दिया था बीस मिनट लेट है और ये बारह मिनट पहले है दोनों के बीच का गैप थर्टी टू मिनट्स का है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा फाइव टी वन इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव टी वन ठीक है माइनस सेवन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी टू ठीक तो यहाँ से देखो सेवन पॉइंट फाइव टी वन इधर जाके फाइव टी वन माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव टी वन और ये इधर जाके प्लस में आ जाएगा तो क्या बचेगा सेवन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी टू तो यहाँ से टी वन की वैल्यू निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा ये सेवन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी टू में टू पॉइंट फाइव डिनोमिनेटर में आ जाएगा आ जाएगा तो ये टू पॉइंट फाइव से सेवन पॉइंट फाइव थ्री टाइम्स चला जाएगा और थर्टी टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा नाइन्टी सिक्स मतलब क्या निकला है? मेरा टी वन की वैल्यू नाइन्टी सिक्स मेरा यहाँ से निकल के आ गया टी वन इज़ इक्वल टू नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स मिनट्स मिनट में था ना तो मिनट में निकला ठीक है देखो मैं फिर बता रहा हूँ इसमें किलोमीटर पर आवर से मिनट में चेंज करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि ये रेशियो में बना रहे हैं रेशियो में जैसे देखो यार ऊपर मिनट नीचे मिनट दोनों कैंसिल होकर ओवरऑल यूनिटलेस आ जाता जा है इसीलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है पर अगर हमेशा तुम याद रखना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले यूनिट हमेशा एक यूनिफॉर्म करके ही सॉल्व करना ठीक है तो टी मेरा निकल गया नाइन्टी मिनट मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस देखो हाउस टू हिज ऑफ़िस पहले बार में टी वन मतलब एस वन कितना था एस वन कितना था मेरा फाइव किलोमीटर पर आर था ठीक है और टी वन कितना निकल गया नाइन्टी सिक्स मिनट तो एस वन इंटू टी वन करते हैं एस टी डी भूल गए क्या एस टी डी एस इंटू टी इक्वल टू डी मतलब इसका स्पीड और इसका टाइम ट्रैवल जो किया कितना टाइम तक ट्रैवल किया वो मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस निकल जाएगा ठीक है ये तो इसका स्पीड कितना है फाइव और टाइम कितना ट्रैवल है नाइन्टी सिक्स मिनट अब यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ जाएगा जरूरत क्योंकि ये देखो किलोमीटर पर आवर में है ये मिनट में है तो इसको हम सिक्सटी से ये रेशियो नहीं है ना तो सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आर में चेंज हो जाएगा तो ये फ़ाइव से कटेगा ट्वेल्व टाइम्स में और ट्वेल्व से कटेगा एट टाइम्स में तो मेरा क्या आ गया यार दोनों का डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एट किलोमीटर ठीक है दिस इज़ द राइट आंसर समझ गए हो गए आई होप आप लोगों को समझ में आए होगा बेटर अब दूसरा क्वेश्चन ये यार आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ और दूसरे पार्ट में पार्ट टू में मैं कुछ और सम्स दे रहा हूँ आप इसको बना के लेके आना देख लो एक बार स्क्रीन ले लो इन सब के सेम कॉन्सेप्ट हैं सारे अगर बना लोगे तो बन जाएगा यार सारा सवाल बन जाएगा क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझ चुके हो पर्सनलिटी वाले तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हैं प्रीवियस ईयर या तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है एनडीए नेट हो चाहे एस सीजीएल हो हर जगह के क्वेश्चन पूछे गए बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड देखेंगे ठीक है उसके बाद उसके एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओके नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट टू में एप्लीकेशन और एवरेज स्पीड देखेंगे गाइज तो आज के लिए थैंक यू इस सेशन को आई होप आप लोग लाइक करेंगे और अगर अच्छा लगा अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी सवाल उठा के देख लेना है चाहे वो प्रीवियस ईयर हो एन टी ए नेट का चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे कोई भी अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक आर एस अग्रवाल की बुक उठा के देख लेना एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे अगर अच्छा लगा अगर आप लोगों को समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इससे मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को आगे की और वीडियो पोस्ट करने को और हम लोग इस चैनल पे अभी एन टी ए नेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं स्टेट ट्यून गाइस लाइक करना शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है ऐसे सोर्सेज के बारे में और अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना थैंक्स अलॉट गुड बाय